दोस्तों, कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आज का हमारा वीडियो भी शिवरात्रि की इस थीम से इंस्पायर है। और इस बार मैंने बनाया है ये यूनिक वॉटर लैम्प, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ओम बना हुआ है जो कि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र, जो कि भगवान शिव का महामंत्र होता है, उसका भी यहाँ पर बर्न्ड पेपर से टेक्सचर क्रिएट किया है। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टेक्सचरिंग टेक्निक्स। और इस बार पेंटिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट मीडियम का यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बॉटल लैम्प को बनाने के लिए आज मैं यूज़ करूँगी इस ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल का। और इस पर बर्न पेपर का टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरह से महामृत्युंजय मंत्र का इंटरनेट से एक इमेज डाउनलोड कर उसका कलर प्रिंट आउट लिया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी इमेज या टेक्स्ट का इस तरह से प्रिंट आउट लेकर उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन सभी रेक्टेंगुलर पीसेस को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इन्हें एक विंटेज एंड बर्न पेपर का इफेक्ट देने के लिए मैं यूज़ करूँगी इस कैंडल का। तो कैंडल को मैंने लाइट अप कर लिया है। और अब हम लेंगे अपना पेपर का पीस और उसके कॉर्नर्स को हम बिल्कुल हल्का हल्का सा बर्न करके इस तरह से यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर टैप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस एल्यूमिनियम फॉइल का, ताकि मेरा जो टेबल टॉप है वो डैमेज ना हो। आपको पेपर को बहुत क्विकली टैप करना है, ताकि इसकी जो फायर है वो बुझ जाए और आपके हाथ भी ना जलें और हमारा जो पेपर है वो भी पूरा बर्न ना हो। हमें बस पेपर की एजेस को थोड़ा थोड़ा बर्न करना है, जिससे कि इसमें एक विंटेज एंड ओल्ड लुक आएगा। मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये स्टेप आप थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ ही ये स्टेप ट्राई करें। और इस तरह से मैंने इन सभी पीसेस को एक बर्न पेपर का लुक दिया है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम इन सभी पीसेस को इस बॉटल पर स्टिक करेंगे। सबसे पहले मैं ये टिश्यू पेपर का एक राउंड पीस कर इसे यहाँ बॉटल पर सेंटर में स्टिक कर रही हूँ। टिश्यू पेपर स्टिक करने के लिए आप मॉडपॉज का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मॉडपॉज अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट ग्लू या फेविकॉल जो है उसमें थोड़ा वाटर मिलाकर अपना होममेड मॉडपॉज बना सकते हैं और उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और जब तक ये टिश्यू पेपर ड्राई हो रहा है, हम अपने पेपर पीसेस हैं उनको डिकुपाज के लिए रेडी करेंगे। ये बेसिकली एक डिकुपाज की ही टेक्निक है, जिसमें हम टिश्यू पेपर या फिर प्रिंटेड पेपर का यूज़ करके टेक्सचर या फिर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये प्रिंटआउट पेपर थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू टिश्यू पेपर, तो इसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर पहले थोड़ा वाटर स्प्रे करेंगे, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और फिर हम इन्हें ईजीली बॉटल पर स्टिक कर सकें। अब बॉटल पर हम लगाएंगे थोड़ा मॉडपॉज और फिर हम अपने जो पेपर पीसेस हैं उनको यहाँ पर स्टिक करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है ऑन डिकुपाज आर्ट फॉर बिगनर्स, तो उसमें डिकुपाज क्या होता है, आप उसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। सो इफ़ यू आर न्यू टू डिकुपाज, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरह से हम एक एक करके जो हमारे बर्न पेपर के पीसेस थे उन्हें यहाँ पर स्टिक करते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पेपर थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो उसे मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो थोड़े थोड़े गैप्स रह गए हैं, वहाँ पर हम उस गैप की साइज के अकॉर्डिंग अपना जो पेपर पीस है उसको कट कर यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ भी मैं एक छोटा सा पेपर का पीस कट करके लगा रही हूँ। और इस गैप को कवर करने के लिए मैंने पेपर का एक ट्रायंगुलर कॉर्नर कट करके लगाया है। और ये देखिए, हमारे सभी बर्न पेपर के पीसेस यहाँ पर स्टिक हो चुके हैं। अब जो बॉटल का ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पर टेक्सचर क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस करेंगे। टिश्यू पेपर का यूज़ करके आप कई डिफरेंट टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे आर्ट वर्क, जैसे कि बॉटल आर्ट, मिक्स मीडिया आर्ट में टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ टू क्रिएट डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल टेक्सचर्स।
तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे पहले वाले मॉडल आर्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मॉडपॉज की हेल्प से टिश्यू पेपर के पीसेस स्टिक करते जाएंगे। हमें यहाँ पर टिश्यू पेपर के रिंकल्स क्रिएट करना है जिससे कि एक ब्यूटीफुल रिंकल टेक्सचर आएगा। और अब हमें इसे पूरी तरह से ड्राई होने देना है और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे हमारा पेंटिंग पार्ट। बट इस बार पेंटिंग के लिए मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो आज मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी कॉफ़ी पेंटिंग। तो यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और फिर उसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉफ़ी से पेंटिंग करने का एक रीज़न ये भी है कि जो मुझे एग्जैक्ट शेड चाहिए था इसे विंटेज लुक देने के लिए वो एक्रिलिक पेंट से नहीं आ रहा था, तो मुझे क्लिक हुआ कि क्यों ना कॉफ़ी शेड इस पर ट्राई किया जाए। तो इस तरह से मैंने जो सभी बर्न पेपर स्टिक किए थे वहाँ पर कॉफ़ी से पेंट किया है और जो हमारा टिश्यू पेपर वाला एरिया है वहाँ भी हम कॉफ़ी से पेंट करेंगे। जो हमारे पेपर पीसेस हैं उनकी बर्नट एजेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा डार्क शेड कॉफ़ी का अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है, आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे थोड़ा थिक ही रखना है। कॉफ़ी से पेंट करते वक्त इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी बॉटल को कॉफ़ी से पेंट कर लिया है और जब ये ड्राई हो जाएगा तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे। अब इसे थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये 3D आउटलाइनर्स, ये कॉपर मेटालिक शेड में हैं। तो इससे मैंने यहाँ पर जो हमारा ये सर्कल था उसकी एक बॉर्डर क्रिएट की है, इससे एक 3D इफेक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, इसे हम थोड़ा रॉ एंड रफ लुक ही देंगे। और यहाँ भी मैं 3D आउटलाइनर से इस तरह से लाइन बना रही हूँ जिससे कि एक फिनिशिंग टच आएगा। इसे हमें थोड़ा सेट होने के लिए रखना है और अब इस गोल्डन कलर के 3D आउटलाइनर से मैं यहाँ पर ओम का सिंबल बनाऊंगी। तो आप चाहें तो पहले यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से और उसके बाद उस पर आप इस तरह से 3D आउटलाइनर से शेप बना सकते हैं। ये ओम का सिंबल एक बहुत ही एनर्जेटिक और मेडिटेटिव सिंबल होता है, इससे एक डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर डबल आउटलाइन किया है। और जब ये हमारा 3D आउटलाइन ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम ये जो ओम शेप हमने बनाया है उसे हम फिल करेंगे गोल्डन मेटालिक पेंट से। गोल्डन शेड यहाँ पर यूज़ करने से ये जो ओम का शेप है ये बहुत अच्छे से हाईलाइट होगा और एकदम उभर के दिखेगा। और यहाँ भी हमने जो टिश्यू पेपर से टेक्सचर क्रिएट किया था उसे हाईलाइट करने के लिए हम ड्राई ब्रश से शेडिंग करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गोल्डन पेंट आपको ब्रश में लेना है और यहाँ पर टेक्सचर्स को हाईलाइट करना है, इससे एक शाइनी सा इफेक्ट आएगा। तो अब हमारा पेंटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है, बट इसे एक फाइनल लुक देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेकोरेटिव स्ट्रिंग जो कि ब्राउन एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पर परफेक्टली मैच कर रही है। तो इसी तरह का कोई भी डेकोरेटिव लेस या स्ट्रिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा ये बॉटल लैम्प बिल्कुल रेडी है और ये देखिए जो बर्न पेपर के पीसेस हमने लगाए थे उससे कितना विंटेज एंड क्लासिक लुक आ रहा है। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ होम डेकोर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ्लावर्स लगा के एज अ फ्लावर वास भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसे लैम्प की तरह यूज़ करना तो आप सिंपली इसमें इस तरह की LED बॉटल लाइट्स आती हैं वो आप इसमें डालकर इसे लाइट अप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस महाशिवरात्रि अपने घर को डेकोरेट करने के लिए आप भी बनाइए ये यूनिक बॉटल लैम्प और अपने घर के डेकोर को दीजिए एक डिवाइन लुक। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डू वॉच माई अदर वीडियोज़ इन बॉटल आर्ट सीरीज़ एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर एनी ऑफ माई आर्ट वर्क यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू आइडियाज़।